नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में देखिए एग्जाम क्रैकर जीके के जो सीरीज़ चल रही है उसके अंतर्गत हम चर्चा कर ही रहे हैं और बायोलॉजी और फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी तक डाले गए हैं वो वीडियो देख लीजिएगा आप जरूर देख लीजिएगा वो क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं और आने के चांसेस ज़्यादा हैं आप केमिस्ट्री पे हम चर्चा कर रहे हैं ठीक है ना केमिस्ट्री पर हम बात कर रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है देखिए लेवाइसीए को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है ठीक है ना ध्यान रखना है आपने ये बताना है कि जो रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति है वो मिश्र भाषा के किस शब्द से हुई है ठीक है ना मिश्र भाषा के किस शब्द से हुई है ये आपको बताना है ठीक है आपको पता ही होगा कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं तो बेसिकली हम पढ़ते ही हैं आ, पांच अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की एक तो ठोस द्रव गैस है ना और तीन अवस्थाएं तो ठोस द्रव गैस लिक्विड सॉलिड और गैस है लेकिन जो चौथी अवस्था है और वो है प्लाज्मा और पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टाइन ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए चौथी और पांचवी अवस्था याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्व प्रमुख तत्व कौन सा सर्वा प्रमुख जो तत्व है पृथ्वी पर पाया जाने वो ऑक्सीजन है देखो पृथ्वी के जो भू भूप्रपटी होती है ना फिजियोग्राफी का हम वीडियो डाल चुके हैं इस संबंध में पृथ्वी के वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो भू प्रपट्टी पर जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो ऑक्सीजन है ठीक है ना ये कुल मात्रा के छियालीस दशमलव छः शून्य प्रतिशत भाग पर भू प्रपट्टी के पाया जाता है ठीक है और दूसरा नंबर आता है सिलिकॉन का ठीक है ध्यान रखें सिलिकॉन का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपने पढ़ाई होगा जो हमने बताया था सियाल सीमान निफे तीन प्रकार की जो लेयर्स बताई थी ठीक है ना मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी ऑक्सीजन ही है देखिए मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो क्या है ऑक्सीजन है पैंसठ प्रतिशत ठीक है ना ध्यान रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल कोलतार आदि किस विधि द्वारा अलग किया जाता है ये पूछा जाता है बार बार देखिए ये सारी चीज़ें खनिज तेल में से निकलती हैं एक चीज़ तो समझें खनिज तेल या कच्चे तेल से तो डीजल निकलता है पेट्रोल निकलता है मिट्टी का तेल निकलता है कोलतार निकलता है और आदि बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं तो ये आंशिक आसवन विधि के द्वारा ये सारा कार्य किया जाता है किसके द्वारा आंशिक आसवन विधि के द्वारा ये कार्य किया जाता है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सरकरा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 के कैलविन की बात हो रही है 348 सौ के ताप पर कर्म करने पर किस विधि द्वारा अलग किया जाता है देखिए रवाकरण द्वारा देखिए ये जब सरकरा और नमक के मिश्रण को जब अलग करेंगे तो ये क्रिस्टलाइजेशन होगी क्या होगी क्रिस्टलीकरण भी कहते हैं इसे ध्यान रखें क्रिस्टलीकरण भी कहते हैं कहीं कहीं क्रिस्टलीकरण भी लिखा जाता है और रवाकरण भी होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बर्फ का द्रवणांग एवं हिमांक क्या होता है देखिए बर्फ़ का जो द्रवणांग और हिमांक होता है वो शून्य डिग्री सेल्सियस होता है हिमांक का मतलब तो समझ गए फ्रीजिंग पॉइंट और जो द्रवाणांग का मतलब है वो है मेल्टिंग पॉइंट बर्फ कहाँ पर पिघलता है पिघलना शुरू होता है और कहाँ पर जमना शुरू होता है तो वो जीरो डिग्री सेल्सियस पर ही ये सारे दोनों कार्य होते हैं दाब बढ़ाने से द्रव का क्वनांग क्या ना कि क्वनांग पर क्या प्रभाव पड़ता है देखिए बढ़ जाता है क्वनांग अगर दाब बढ़ाएंगे तो क्या क्या होगा क्वनांग क्या होगा बढ़ जाएगा ठीक है तो देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ठीक क्वनांग पता ही होगा वै, जो होता है क्वनांग होता है बॉयलिंग पॉइंट क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग मतलब जहाँ पर बॉयल होना है. तो क्या होगा अगर दाब बढ़ाएंगे तो द्रव का कोथनांग बॉयलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी ये बार बार पूछा जाता जे जे थॉम्सन ने की थी ठीक है ना ध्यान रखें जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है नौ दशमलव एक गुणा या दस के साथ माइनस अट्ठाइस ग्राम ध्यान रखें ये क्वेश्चन में बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए प्रोटॉन की खोज किसने की थी देखिए गोल्ड स्टीन ने की थी आप बताइए कि जो प्रोटोन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है ठीक है ना वन से शुरू होता है और इन कितना होता है ठीक है ये आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की देखिए चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी ध्यान रखें चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी आपको यह बताना है न्यूट्रॉन पर क्या आवेश न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है ठीक है न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो ध्यान रखें लगभग लगभग किसके द्रव्यमान के बराबर होता है प्रोटोन के द्रव्यमान के बराबर ये चीज ध्यान रखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए किसी तत्व का कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को क्या कहते हैं ध्यान रखें अगर प्रोटोनों की संख्या है नाभिक में तीन चीज़ें होती ना इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन तो प्रोटोनों की संख्या को कहते हैं परमाणु क्रमांक ध्यान रखें परमाणु क्रमांक अगर पूछा कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी तत्व के नाभिक में प्रोटोनों की संख्या पच्चीस है तो परमाणु क्रमांक कितना होगा तो पच्चीस ही होगा ना ठीक द्रव्यमान संख्या क्या होती है ध्यान रखें तो द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होगी वो उसके नाभिक में प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर के योग के बराबर होगी देखिए प्रोटोन जितने हैं न्यूट्रॉन जितने हैं दोनों को जोड़ दो तो द्रव्यमान संख्या निकल के आ जाएगी ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान देखिए एटॉमिक जो नंबर है वो तो सेम होगी और जो एटॉमिक जो होता है मास वो अलग अलग होगा तो फिर उस केस में उस परमाणु को क्या कहेंगे तो ध्यान रखें परमाणु क्रमांक अलग समान है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हैं तो उसे समस्थानिक कहेंगे ठीक है समस्थानिक उसे हम कहेंगे और सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा देखिए पोलोनियम है पोलोनियम के कुल सत्ताईस समस्थानिक हैं जो सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है देखिए समान परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान तो सम, समान होगा लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न भिन होगा ठीक है ना उनको क्या कहते हैं देखिए संभारिक कहते हैं अगर इस प्रकार के जो तत्व हैं उनको हम क्या कहेंगे संभारिक कहेंगे देखिए नेक्स्ट आवर्त सारणी की खोज किसने की थी मैंडलीप ने की थी ठीक है ना मैंडलीप ने आवर्त सारणी की खोज की थी मैंडलीप की आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं देखिए नौ वर्ग हैं कितने वर्ग हैं नौ वर्ग हैं मैंडलीप की आवर्त सारणी में आवर्त सारणी आधुनिक जो आवर्त सारणी है उस किसके नियम पर आधारित है देखिए मोजले के नियम पर ये भी इम्पोर्टेंट है देखिए मै मेंटली ने तो खोज की थी आवर्त सारणी की लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी मोजले के नियम पर आधारित है ये देखिएगा सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है क्लोरीन की क्लोरीन की सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है ध्यान रखें तो ये होती है फ्लोरीन की ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम देखिए आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए परमाणु का आकार अगर हम ऊपर से नीचे को आएंगे तो आकार बढ़ेगा ठीक है ना परमाणु का आकार बढ़ेगा देखिए किसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं स्ट्रेंजर गैस की अगर हम बात हो जिनोन को कहते हैं किसको कहते हैं जिनोन को जिनोन को एक्सट्रेंजर गैस स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पोलोनियम किसके कितने समस्थानिक होते हैं पोलोनियम के होते हैं सत्ताइस समस्थानिक कितने समस्थानिक अभी हम चर्चा कर चुके हैं सबसे सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है गैसीय तत्व में सबसे भारी कौन सा है रेडोन है ठीक है ना रेडोन सबसे भारी गैसीय तत्व है सबसे ज़्यादा गैसिय किसे सफेद स्वर्ण भी कहते हैं तो सफेद स्वर्ण कहते हैं प्लेटेनियम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है ठीक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सोडियम को किस तेल में रखा जाता है कि सोडियम को रखते हैं मिट्टी के तेल में ये थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन में शिफ्ट हो गया है देखिए सोडियम मिट्टी के तेल में रखा जाता है देखिए ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ठीक अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए सिलेंडर का प्रयोग में कौन सी गैस होती है देखिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर करते हैं ऑक्सीजन प्लस हीलियम को अगर ऐड कर दें तो वो, वो उसका कृत्रिम गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है ठीक है कृत्रिम सांस के लिए खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्वनाश देखिए विटामिन सबसे ज्यादा नष्ट होता है जब खाना हम पकाते हैं और जितना ज्यादा पकाएंगे खाना जैसे बिल्कुल ही जल जाएगा तो उसमें विटामिन नष्ट हो जाएंगे ठीक है सौर सेल में क्या प्रयुक्त होता है देखिए सौर सेल में जो ये शिफ्ट हो गया है सी जी एम क्या प्रयुक्त होता है सी जी एम याद रखें ना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए सीजीएम का प्रयोग होता है सौर सेल में ठीक देखिए सिरके में कौन सा अम्ल एसिड पाया है? ये बार बार एग्जाम में पूछा सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड क्या पाया जाता है एसिटिक एसिटिक एसिड का अगर किसी को सूत्र पता है तो वो आप बता सकते हैं कि एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है ठीक है ना केमिकल फॉर्मूला क्या है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वह कौन सा कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया देखिए यूरिया यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया काफी महत्वपूर्ण तो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है एथिल एसिटेट का प्रयोग किया जाता है ध्यान रखें एथिल एसिटेट का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ कोई भी सुगंध वाला परफ्यूम वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें इनमें एथिल एसिटेट का प्रयोग है डायनामाइट देखिए ये विस्फोटक हैं आविष्कार किसने किया था अल्फ्रेड नोबल ने किया था कब किया था अठारह में ध्यान रखें अल्फ्रेड नोबल ने अट्ठारह में डायनामाइट का आविष्कार किया था पूछा जाता है बार बार नोबल है ये इसे नोबल का तेल भी कहा जाता है देखिए ट्राइनाइट्रोगसरिन टी एन जी ये भी एक विस्फोटक है ठीक है ना टी एन टी टी एन जी ट्राई नाइट्रो टी एन जी ट्राई नाइट्रोगसरिन डायनामाइट आर डी एक्स ये सारे ग्लिसरीन हैं ये सारे सॉरी ये सारे क्या हैं विस्फोटक हैं ये आर डी एक्स का पूरा नाम क्या है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव ध्यान रखें ठीक है ना रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव किसका नाम है आर का नाम है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है देखिए आर को रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है ठीक है गन पाउडर की खोज किसने की थी तो रॉन्जर रोजर बैंकन ने की थी ठीक है ना रोजर बैंकन ने किसकी खोज थी की थी गन पाउडर की ये भी एग्जाम में निरंतर पूछा जाता है ठीक है आपको ये बताना है कि जो एक सवाल इससे किससे प्लास्टिक विस्फोट आर डी एक्स आर डी एक्स का जो रासायनिक फॉर्मूला है रासायनिक नाम है वो क्या है एग्जाम में पूछा जा सकता है देखिए धूप के चश्मे में लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग धूप का जो धूप चश्मे हैं उनमें है, क्रुक्स कांच का हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं ध्यान रखें एग्जाम की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है क्रुक्स कांच का हम प्रयोग करते हैं ठीक है आपको ये बताना है कि जो प्रयोगशाला के उपकरण होते हैं उनको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा आज फोर्टी क्वेश्चन केमिस्ट्री के पहले वाले वीडियो में